तो गाइस इस टाइम जो माहौल चला है वो आईपीएल 2024 के रिटेंशन पॉलिसी का चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बात करें तो 28 तारीख तक सभी टीमों के जो भी मेंबर्स यहाँ पर रिटेन होने वाले हैं उनकी लिस्ट सामने आएगी और ट्रेडिंग विंडो की भी यहाँ पे खबरें निकल के सामने आ रही हैं। और उसके बाद आपको एक महीने का लगभग समय बचा हुआ है आईपीएल 2024 के ऑक्शन को लेकर। लेकिन गाइस यहाँ पे उन पांच बड़े खिलाड़ियों का मैं नाम बताने वाला हूँ जो कि इस बार के नीलामी का हिस्सा रहते हुए नजर नहीं आने वाले हैं। इनफैक्ट इस बार ये आईपीएल ही खेलते हुए नजर नहीं आने वाले हैं और ऐसा चांसेस है कि ये जो पांच खिलाड़ी हैं वो यहाँ पे रिलीज होते हुए भी नजर आने वाले हैं। तो गाइस कौन से पांच खिलाड़ी हैं जो कि पार्ट नहीं रहने वाले हैं, अवेलेबल नहीं रहने वाले आईपीएल 2024 के लिए, तो गाइस पूरी वीडियो रहने वाली है और नीचे देख लीजिएगा एक बार। अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, व्हाइट कलर सब्सक्राइब का बटन होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पहले एक खिलाड़ी के बारे में जो कि आईपीएल 2024 का पार्ट रहते हुए नजर नहीं आने वाले हैं। इनका नाम है यहाँ पे बेन स्टोक्स। अगर बेन स्टोक्स की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे भी आपको ही पता है कि वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है, लेकिन अभी इनका जो अपॉइंटमेंट है वो लगभग 20 तारीख के बाद इनकी सर्जरी होगी, यानी कि अभी सर्जरी नहीं होने वाली, यानी कि लगभग दिसंबर तक जब इनकी सर्जरी होगी तो ये आईपीएल तक फिट होके नहीं आ सकते किसी भी कीमत पे, ये आपको भी पता है। और अपने आप को बेन स्टोक्स इतना ज्यादा यहाँ पे धक्का में डालेंगे भी नहीं कि मैं जाके आईपीएल खेल लूँ, आईपीएल में इतना जाके एफर्ट लगा दूँ, क्योंकि अगर वो आईपीएल खेलने आएंगे तो आईपीएल के तुरंत बाद वर्ल्ड कप होने वाला है, वो चीज़ मिस कर देंगे यहाँ पे बेन स्टोक्स। तो ये भी आपको भी अच्छी तरीके से पता है कि वहाँ पे ये चीज़ें हो सकता है कि मिस्टेक हो सकती है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए और ईसीबी आपको ही पता है कि कितनी ज़्यादा सख्त है आईपीएल को लेकर, ये हमेशा चिढ़ते रहते हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए ऐसी लग रही है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भी यहाँ पे बेन स्टोक्स को मौका नहीं देगी, कहेगी नहीं कि आप जाके आईपीएल खेलिए, और उसके साथ बेन स्टोक्स भी यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि मानते हुए भी नजर आने वाले। तो यहाँ पे ये आईपीएल 2024 के लिए अवेलेबल रहते हुए नजर नहीं आने वाले हैं। दूसरे खिलाड़ी की बात कर ले तो यहाँ पे माइकल ब्रेसवेल की बात कर ले तो वही है कि यहाँ पे चोटिल हुए थे, अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है कि वो कहाँ आए, क्या वो फिट हो जाएंगे, क्या चीजें रहने वाली है। इन शॉर्ट अगर मैं बात कर लूँ तो माइकल ब्रेसवेल भी आईपीएल 2024 के लिए अवेलेबल रहते हुए नजर नहीं आने वाले हैं। तीसरे खिलाड़ी की अगर हम लोग बात करें तो हेनरिक नॉर्किया। हाँ गाइस हेनरिक नॉर्किया की बात कर ले तो यहाँ पे ये अभी इनके ऊपर किंतु परंतु लगा हुआ है, कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर ये पूरी तरीके से फिट रहते हैं तभी खेलेंगे, नहीं तो 1% भी अगर इनके ऊपर अगर यहाँ पे दिक्कत समझ में आती है तो आपको भी पता है कि ये साउथ अफ्रीका के मेन बॉलर है T20 आइस में, तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका सीधा सीधा इन्हें बचाने की कोशिश करेगी और ऐसे में बट किंतु परंतु लगा है, लेकिन यहाँ पे 70-30 का रेशियो लेके चलिए कि ये आईपीएल 2024 में खेलते हुए नजर नहीं आने वाले हैं। भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे वर्ल्ड कप में और यहाँ पे आईपीएल और आगे बिग बैश आएगा उसमें आपको जीतने का मंत्र क्या है। तो गाइस सबसे पहले आपको कहा जाना है नीचे कमेंट में पिन हुआ है एक लिंक होगा, वहां पे आपको उसे खोलना है। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, वहां पे जैसे ही आप खोलेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन को आईडी मिलेगी, वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है अपना नाम, फिर आगे 1 2 3 4 अपने हिसाब से एक यूनिक अपनी यूजर नेम डाल दीजिएगा, उसके बाद आईडी पासवर्ड अपना लिख लीजिएगा और उसे ध्यान से याद रखिएगा। फिर आगे हम लोगों को क्या करना है, फिर आगे आपको जैसे ही यहाँ पे आप खोलेंगे आपको यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको होम का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसके जस्ट बगल में यहाँ पे आपको ऑफर सेक्शन देखने को मिलेगा। जैसे ही वहां पे आप जाएंगे उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ऊपर जाना है, वहां पे मिशन का आपको यहाँ पे सेक्शन देखने को मिलेगा और आप अगर यहाँ पे न्यूली यहाँ पे अगर बात करिए उसके बाद अगर आपने न्यू रजिस्ट्रेशन किया, आपको ही पता है कि आपने अभी तक न्यू रजिस्ट्रेशन ही किया है, पहले व्यक्ति है, तो यहाँ पे आप जैसे ही करेंगे आपको 10 रुपए का तुरंत आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, वो भी इस ऐप की तरफ से। तो भाई उसके बाद जैसे ही आप वो रिवॉर्ड पा जाएंगे उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अपने नंबर से लिंक कर लेना है। हाँ गाइस यहाँ पे आपको अपने नंबर से इसको पूरी तरीके से इस ऐप को लिंक कर लेना है और जैसे ही आप इसे लिंक करेंगे उसके बाद आपको क्या मिलेगा, आपको 20 रुपए का तुरंत, यानी 10 पहले 20 अभी, यानी कि टोटल मिला के आपको कितने, आपको 30 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, 30 रुपए आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आप क्या करेंगे, आप सीधा क्या काम करिए, बार बार वेबसाइट पे जाने से क्या फायदा है, आप इस ऐप को ही डाउनलोड कर लीजिए। तो आप जैसे ही इस ऐप को डाउनलोड करेंगे आपको तुरंत 51 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। हाँ गाइस 51 रुपए आपको तुरंत फिर से डाउनलोड करने के एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। और गाइस सब मिला के अगर बात कर लिया जाए तो आप जो भी जीते हुए पैसे अब कहाँ पे विड्रॉल, कहीं ना कहीं तो आप विड्रॉल करेंगे, अब इतने पैसे आप पा गए हैं तो आप कहीं ना कहीं विड्रॉल की तो जगह डालेंगे, तो आप विड्रॉल के लिए अपनी जो भी आईडी या फिर जो भी चीजें देंगे जैसे ही उसे उसका फॉर्म आप भरेंगे आपको 30 रुपए और एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, यानी कि टोटल मिला के अगर बात कर लिया जाए तो आपने कुछ किया भी नहीं इस
ऐप में और आपको 112 रुपए तुरंत आपको मिल गए, यानी कि इतने ज्यादा फायदा आपको हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, आप होम पेज पे जाएंगे। होम पेज में जाने के बाद 11 और यहाँ पे बात करें WICKET का गेम रहेगा, आपको वहां पे जाके आपको गेम खेलना है। इस टाइम पे क्या चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है, तो वर्ल्ड कप में जो भी सेमीफाइनल्स के मैच आएंगे यहाँ पे आपको क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। हाँ गाइस, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी, कौन विकेट ज्यादा लेगा, सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपने सही आंसर कर दिया तो आपने अगर 100 रुपए लगाए तो 200 जीत जाएंगे, 200 लगाए 300 जीत जाएंगे। ऐसे इस तरीके की अगर आपने 1000 लगाए तो 2000 जीत जाएंगे, यानी कि आपको प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा मिलने वाला है। और गाइस अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इस तरीके की आपको सिर्फ क्वेश्चन के आंसर करके ही जीत सकते। उसके बाद फाइनली बात क्लियर, तो यहां पे आपको प्रोमो कोड के थ्रू अगर आप जाते हैं तो होम पेज पे जाएंगे। होम पेज में जाने के बाद आपको बात क्लियर, तो यहां पे 3-4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। वहां पे आपको एक डी ऑप्शन मिलेगा, वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, रिचार्ज करना पड़ेगा। और आप जैसे ही पहले टाइम पूरा रिचार्ज करेंगे आपको पूरे रुपए मिल जाएंगे। आपने 100 का किया तो 100 रुपए आपको मिल जाएंगे, 200 किया 200 मिल जाएंगे। और इन सभी चीजों के करने के बाद आपने जो भी किया होगा सब पैसे आपको बराबर मिल जाएंगे। और गाइस उसके बाद बात करें तो ये ऐप काफी बेहतरीन है, आप इसे खेलना स्टार्ट कर सकते हैं। आप हो सकता है कि यहाँ पे कुछ कनेक्शन हुआ हो तो यहाँ पे रिचार्ज करने पे आपको सब पैसे मिल जाए, तो फटाफट जाइए ये खेलिए, काफी कमाल का ऐप है, फटाफट खेलिए और बताइए कैसा है। गाइस जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, गेम खेलना स्टार्ट। फाइनली हम बात करने वाले अगले खिलाड़ी के बारे में, और गाइस इनका नाम है मैट हेनरी। मैट हेनरी की बात करें तो यहाँ पे इस साल हो सकता था कि आईपीएल में इन्हें अच्छा खासा पैसा मिलता हुआ, मनी मिलती हुई नजर आ सकती थी, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में अच्छा निकल गया था। सभी लोग जान गए थे कि इंडियन विकेट पे ये खिलाड़ी काफी ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। इन्हें स्लोअर फेंकने आता है, इन्हें स्विंग कराने आता है, इन्हें यॉर्कर फेंकने आते हैं, तो कहीं ना कहीं सभी लोग जान गए थे, सभी जो भी मालिक मैनेजमेंट थी जान चुकी थी कि मैट हेनरी इस साल कारनामा कर सकते हैं, बेहतरीन काम कर सकते हैं। 5-6 करोड़ की बोलिंग की तैयार हो चुकी थी, लेकिन एन मौके पे आ गया इन्हें दिक्कत, क्योंकि यहाँ पे ये रूल्ड आउट हो चुके हैं, इन्हें इंजरी पे प्रोन हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इन सभी चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस बार के आईपीएल ऑक्शन में पार्ट भी नहीं लेंगे और आईपीएल 2024 खेलते हुए भी नजर नहीं आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी खिलाड़ी विदेशी खिलाड़ी रहते हैं जब वो चोटिल होते हैं तो वो लंबा जाते हैं। और इसी में बात करें तो इसी कड़ी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बात करें तो मैट हेनरी भी यहाँ पे खेलते हुए नजर नहीं आने वाले हैं। पांचवें और अंतिम खिलाड़ी की बात करें, मार्क वुड की बात करें तो मार्क वुड को भी यहाँ पे मेरे हिसाब से 2-3 सोर्सेज ने यहाँ पे रिपोर्ट दावा किया है कि मार्क वुड भी आईपीएल 2024 में खेलते हुए नजर नहीं आने वाले हैं। वैसे भी इनका और आईपीएल का रिश्ता कुछ ठीक है नहीं, ये किसी भी टीम में जाते हैं अच्छे काफे पैसे भी जाते हैं, लेकिन क्या करते हैं ये एन मौके पे पुल आउट कर लेते हैं, बाहर चले जाते हैं। और इन चीजों को देखते हुए लग रहा है कि ये सीधा सीधा अपने से मना कर देंगे, मैं आईपीएल में खेलता हुआ नजर नहीं आने वाला हूं। और जब ये आईपीएल में खेलते हुए नजर नहीं आने वाले तो एलएसजी भी इन्हें रिलीव करेगी और उसके साथ ये ऑक्शन में पार्ट भी नहीं लेंगे और वो आईपीएल 2024 भी खेलते हुए नजर नहीं आने वाले हैं। और ये अंतिम खिलाड़ी है जो कि आईपीएल 2024 से पहले पुल आउट कर सकते हैं और ये आईपीएल खेलते हुए नजर नहीं आ सकते। सो गाइस ये थे वो 5 खिलाड़ी, ओवरसीज खिलाड़ी, जो कि आईपीएल 2024 खेलते हुए नजर नहीं आ सकते हैं और ये पूरा आईपीएल को मिस कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। सो गाइस फाइनली आप बताएगा कि इनमें से कौन सा खिलाड़ी अपने टीम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं खेलेगा तो दिक्कत कर दी जाएगी। तो गाइस जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों इसी साथ फिलहाल वीडियो एंड करते हैं।